जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब हमारा सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। फिट रहे, स्मार्ट लगे और अलवीना ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। सो वेलकम अलवीना। अस्सलाम वालेकुम टू यू, आवर गेस्ट, सलाम एंड आवर व्यूअर्स। बिल्कुल, और जनाब फिट रहे स्मार्ट लगे में आज हमें ज्वाइन किया है हमारे फिटनेस ट्रेनर जो कि हैं अकरम रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आप भी जो हैं प्रॉपर जिम इंस्ट्रक्टर, फिटनेस ट्रेनर, सारे आप मील्स प्रोवाइड करते हैं, डाइट प्लान्स प्रोवाइड करते हैं? जी जी, प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन प्लान अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, चाहे आपने वेट लूज करना हो या मसल गेन करना हो, कंप्लीट आपका डाइट प्लान वगैरह बनाते हैं और उसी हिसाब से आपका वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं। अक्रम, विंटर्स में वर्कआउट में कुछ चेंजेस आता है आपको अकॉर्डिंग टू द लाइक सीजन? जैसे कि गर्मियों में आप ज़्यादा जल्दी आप वेट लूज़ करते हैं शायद स्वेटिंग की वजह से, सर्दियों में ये टफ़ हो जाता है आपके लिए वर्कआउट करना, ठीक, थोड़ा सा हार्ड, ऐसा है? ऐसा है नहीं एक्चुअली, टाइम का डिफरेंस आ जाता है गर्मियों में क्योंकि हमारी बॉडी को वार्म अप होने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी जो है वो विंटर की वजह से हमारी बॉडी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसको प्रॉपर वार्म अप करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड ज़्यादा लगता है। जहाँ 10 मिनट बॉडी वार्म अप हो जाती है, आपको 15 से 20 मिनट। जो पल्स रेट हमारा यूजुअली हाई हो जाता है 10 मिनट में गर्मियों में, वो विंटर्स में 20 मिनट लग जाते हैं, तो यानी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता होगा। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को ऊपर लाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, लोग ज़्यादातर इन्होंने अगर 1 आवर का वर्कआउट करना है ना, तो उन्होंने गर्मियों में वही रूटीन रखी हुई है और सर्दियों में भी वही सेम रूटीन रखी हुई है। दैट वाज द रीज़न कि वो फिर उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, उतनी नहीं हो पाती क्योंकि उनको एफर्ट ज़्यादा करने, बट टाइम करनी है आपको, एफर्ट ज़्यादा करनी अगर चेंज होता है। जी बिल्कुल, सर्दियों में जो थोड़ी सी सुस्ती भी होती है ना, लोगों को थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, ब्लैंकेट में रहना पसंद करते हैं और सुबह सुबह उठ के वर्कआउट तो आप बहुत आप समझते हैं कि नहीं है, शाम में कर लेंगे, शाम में कर लेंगे। एक और सवाल आपसे मैं करूँगी जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे जो कि सर्दियों में यूजली हम सबको ये फेस करना पड़ता है मेजोरिटीज़ को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, या तो साइनस का इशू होता है या फिर आपके अगर लंग्स वीक हैं या आपको एस्थमा है तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। स्मोकर है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। हाँ, तो उन सब पे भी आपको जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं, कुछ ऐसे वर्कआउट या एक्सरसाइजेस हैं जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प आउट कर सकते हैं? अच्छा देखें, बेसिकली जिनको एस्थमा या ब्रीदिंग का इशू होता है ना, उसके पीछे मेडिकल रीज़न क्या है, उसके रीज़न वही है कि जैसे आपने कहा स्मोकिंग करते हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोगों को इनहेरिटेड भी होता है कि उनकी दादी को हो गया तो वो जीन में आ गया, जेनेटिकली जिसे आप कहते हैं कि ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे मैं ना इत्तेफाक नहीं करता, इवन अच्छा? अपने क्लाइंट से भी नहीं करता। अच्छा? ये जो हमने एक माइंड सेट किया हुआ है ना कि इनहेरिटेड है और हमारी जीन में शामिल है, देन पीपल जस्ट गिव अप, वो उस पे काम नहीं करना, बात तो नहीं करें ना हम ये बात करें कि इनहेरिट होता है और ये हम इनहेरिट कुछ भी नहीं होता, डीएनए में कैसे अल्टर हो सकता है? आप देखें ना, ये साइंस ने प्रूव किया है, आप इवन कैरेक्टर्स लेके पैदा होते हैं आप, जो डीएनए मेडिकल साइंसेस को जब आप देखते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, तो आप उसमें समझते हैं, उसमें बाकायदा आपको बताया जाता है। इवन आई वाज शॉक जब हमें इंटर में एफएससी के दौरान प्री मेडिकल में पढ़ाया था कि आपके जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो भी आपके डीएनए का हिस्सा होते हैं। आज जो हम हैं इस वक्त, ये हम नहीं है, हमारे पेरेंट्स और हमारे एंसेस्टर्स की वजह से है, हम थोड़ा कुछ परसेंटेज अपने आप को इम्प्रूव कर जाते हैं।